Hello everyone, welcome to TSN Education Channel. This is the second video of class 7 civics, chapter 3, how the state government works. The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments of ministries. Chief ministers or jo other ministers hote hain, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको और जो मिनिस्ट्रीज है उसको रन करने की. दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उनके सेपरेट ऑफिस होते हैं. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस वे आर ऑल द एमएलएस वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स. लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एमएलएस जो भी रूलिंग पार्टी के और जो भी अपोजिशन पार्टी के हैं एक ही प्लेस पर मीटिंग करते हैं. एंड सम MLAs हैव ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ MLAs की ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वन एज एन MLA एंड द अदर एज मिनिस्टर, एक तो MLA की तरह और दूसरे मिनिस्टर की तरह. वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर. अ डिबेट इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, आ फ्रेंड सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग. आफरीन सुजाता और भी अदर जो स्टूडेंट्स थे वे स्टेट कैपिटल को विजिट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गए और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो एक बहुत इम्प्रेसिव बिल्डिंग में थी. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अप स्टेयर्स, सिक्योरिटी चेक के बाद वे अप स्टेयर्स पर गए जहाँ पर देयर वॉज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो. वहाँ पर एक गैलरी थी जहाँ से वे एक लार्ज हॉल को देख सकते थे. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, वहाँ पर कई रोज थी और कई रोज की थी जो डेस्क थी उनकी कई रोज बनी थी. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम, इस असेंबली में वहाँ पर एक करंट प्रॉब्लम पर डिबेट होनी थी. ड्यूरिंग दिस टाइम MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, इस टाइम पर MLAs अपने जो भी ओपिनियन है उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू, और किसी भी इशू पर जो क्वेश्चंस हैं वे पूछ सकते हैं. और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, और ये सजेशन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड दिस, द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिकेट्स स्टेप आर बींग टेकन. उसके बाद जो मिनिस्टर हैं उन क्वेश्चंस के रिप्लाई देते हैं और उसके बाद ये ट्राई करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है या उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. उसके बाद चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर हैं वे डिसीजन लेते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से रन होगी. वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल्स और इन द पेपर, हम जो भी टॉपिक्स हैं जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन हैं उन्हें न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं. हाउएवर वॉट एवर द डिसीजन आर बीन टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि कुछ जो भी डिसीजन लिए गए हैं उन्हें किस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अप्रूव करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी देयर दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, डेमोक्रेसी में इस तरह के जो मेंबर्स हैं वे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. डिबेट एन इंपॉर्टेंट इशू, किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पर डिबेट कर सकते हैं. डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, और मनी को कहाँ स्पेंड किया जाना है ये डिसाइड किया जाता है. दे हैव द मेन अथॉरिटी, उनके पास मेन अथॉरिटी होती है. MLA फर्स्ट, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 50 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया. मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो निर्वाचन क्षेत्र है अखंड गाँव, वहाँ पर लास्ट थ्री वीक से 15 डेथ हुई है डायरिया के कारण. आई थिंक इट इज़ द शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन और ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया, कि ये शेम है कि जो गवर्नमेंट के लिए शेमफुल बात है कि वे इस सिंपल सी सिचुएशन को चेक नहीं कर रही हैं और डायरिया से होने वाली जो प्रॉब्लम है उसे नहीं देख रहे हैं. प्रोक्लेमिंग इट्सेल्फ टू बी ए चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी, जबकि वे ये प्रोक्लेम करते हैं कि वह टेक्नोलॉजी के चैम्पियन हैं. आई वुड कॉल टू अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. मैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको ये
बताना चाहूँगा कि इस सिचुएशन के लिए कोई इमीडिएट एक्शन लें। MLA 2, माई क्वेश्चन इज वेयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन, कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बैड सिचुएशन है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, कि जो भी गवर्नमेंट है वे डॉक्टर और जो प्रॉपर स्टाफ मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट क्यों नहीं करते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन, डील विद दिस सिचुएशन, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या प्लान कर रही है। विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है। इज ऑल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज एन एपिडेमिक। MLA 3, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी टू ऑफ तोलपत्ती टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलपत्ती में वहाँ पर एक मेजर जो प्रॉब्लम है वाटर की शॉर्टेज है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, वुमेन को 3 or 4 किलोमीटर ट्रैवल करके वाटर को कलेक्ट करना होता है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, कितने टैंकर्स वाटर की सप्लाई के लिए लगाए गए हैं। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, कितने जो पॉन्ड्स को क्लीन करके डिसइंफेक्टेड किया गया है। MLA 4, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सगरेटिंग द प्रॉब्लम, कि जो मेरे कलीग्स हैं इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रही है। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विस, इसके लिए कुछ वाटर टैंकर्स लगाए गए हैं। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ORS पैकेट बांटे जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल, गवर्नमेंट पीपल की हेल्प के लिए जो भी पॉसिबल है वह सब कुछ कर रही है। MLA 5, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में बहुत पुअर फैसिलिटीज़ हैं। दे आर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है। एंड नो मेडिकल स्टाफ, और कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं है। हैज़ बिन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और यहाँ तक कि कुछ फ्यू ईयर्स से वहाँ पर कोई अपॉइंट भी नहीं हुआ है। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गोन इन ए लॉन्ग लीव, अदर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर लॉन्ग लीव पर गए हैं। दिस इज़ अ शेम, आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, कि ये बहुत शेमफुल है कि जो सिचुएशन है बैड से वर्स होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज, हम इस बात के लिए कैसे इंश्योर हैं कि जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ की फैमिलीज को ORS पैकेट मिल रहे हैं। MLA 6, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, कि अपोजिशन जो मेंबर्स हैं वे गवर्नमेंट को अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने सैनिटेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। वी हैव नाउ टेकन अप टू ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स, और गार्बेज को क्लियर करने के लिए भी कुछ नहीं किया जो कि कई ईयर से पढ़ा था। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्लियर सेक्शन में आपने एक लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट देखी। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, मेंबर्स डिबेट में कुछ एक्शन लेते हैं, और दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सभी MLA एक साथ मिलकर गवर्नमेंट के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, की अगर कॉमन जो यूजेज लें कि गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रेफर करती है, वेरियस मिनिस्टर्स हु हैड देम, और कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इनके हेड होते हैं। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, इन सभी के हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। मोर करेक्टली इट इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट कहा जाता है। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर असेंबल इन लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, और ये सभी मिलकर लेजिस्लेचर बनाते हैं। दे आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, एक जो कि इनको वर्क को सुपरवाइज करते हैं। एज वी सो इन द अर्लियर सेक्शन, जिसे कि हम जिन्हें हमने पहले सेक्शन में देखा, इट इज़ फ्रॉम अमंग देम दैट द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो सभी एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, जिन्हें जो भी हेड होते हैं वे सभी मिलकर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट हेड एंड एक्शन इज डिमांडेड, लेजिस्लेटिव केवल ऐसा ही प्लेस नहीं है जहाँ पर केवल ओपिनियन को ही एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसके एक्शन की भी डिमांड की जाती है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स
टीवी चैनल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। यहाँ पर कई ऐसे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस हैं उनके बारे में टॉक करती हैं। इन डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र में, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन, कि सभी लोगों को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, कि जो भी लोग हैं वे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनके लिए एक्शन ले सकते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वॉज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद एक डिस्कशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज की थी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, बहुत से न्यूज़पेपर के जो भी पीपल थे वहाँ पर प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट, और इसके साथ ही कुछ मिनिस्टर्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल भी वहाँ प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन, जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। रिपोर्ट्स आस्क मैनी क्वेश्चन एट द मीटिंग, वहाँ पर कई इस मीटिंग में कई क्वेश्चन से रिलेटेड, कई क्वेश्चन जो थे वो इस टॉपिक पर रिलेटेड पूछे गए थे। न्यूज़पेपर द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट वीक चीफ मिनिस्टर और भी जो मिनिस्टर थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया। दे वेंट टू विजिट द फैमिली हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, उन्होंने उन फैमिलीज को भी विजिट किया जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया, एंड ऑल्सो विजिट पीपल इन द हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में पीपल को भी विजिट किया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कॉम्पनसेशन फॉर दिस फैमिलीज, और गवर्नमेंट ने इन फैमिलीज को कॉम्पनसेशन भी दिया। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ए लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और हेल्थ चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये केवल प्रॉब्लम सैनिटेशन की नहीं है, इसके साथ ही ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी है यहाँ पर। ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इन टू द नीड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कि एक इंक्वायरी कमेटी यहाँ पर होगी, हाई लेवल पर बिठाई जाएगी जो कि इससे संबंधित डिसीजन लेगी। वुड रिक्वेस्ट टू मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन, और इस रीजन में प्रॉपर वाटर सप्लाई के लिए कि जो भी नीड है उसको ध्यान में रखा जाएगा। एज यू सो अबाउट द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, यहाँ पर आपने देखा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी क्या पावर है और जो भी मिनिस्टर्स हैं वे किस तरह एक्शन लेते हैं। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। दे ऑल्सो हैव एन आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीन टेकन। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू, उसी सेम टाइम पर न्यूज़पेपर और मीडिया भी डिस्कस कर रहे थे इसी इशू पर। एंड द गवर्नमेंट हैड टू रिस्पॉन्ड, और गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल बाई होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज, गवर्नमेंट को कुछ न्यू लॉज को डिसाइड करना चाहिए फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, की जो भी सैनिटेशन से रिगार्डिंग और हेल्थ फैसिलिटी से रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया, कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इंश्योर करना चाहिए कि हर एक अर्बन एरिया में एडिक्वेट टॉयलेट्स होने चाहिए। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट ए हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज, और हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करना चाहिए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज इन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, इस तरह के कुछ लॉज लेजिस्लेटिव असेंबली में, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैन इम्प्लीमेंट दीज लॉज, और उसके बाद गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वे इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर द इंटायर वर्ल्ड इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट, यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी में पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड द इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, इसी तरह से पीपल के पास जो मेन अथॉरिटी होती है अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन
फ्रॉम द गवर्नमेंट और उसके बाद रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं वे गवर्नमेंट बनाते हैं. सेम मेंबर्स आर सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर और कुछ मेंबर्स जो हैं वे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. उसके बाद ये जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स के इन चार्ज होते हैं, जैसे कि हेल्थ. इन द अबव एग्जाम्पल, यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में हमने हेल्थ मिनिस्टर देखे. वॉट एवर वर्क इज डन बाय दैट दीज डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये जो भी वर्क किया जाता है इन मिनिस्टर्स के द्वारा ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर अप्रूव करते हैं. अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट. अ वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट. एक वॉलपेपर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को या किसी भी इंटरेस्ट को कर सकते हैं. द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन ए क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन क्लासरूम.